हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई गूगल ज्ञान में। यहाँ पर दोस्तों जो आज का एग्जाम हुआ है डीआरडीओ में टेक्नीशियन पोस्ट के लिए, और जो इलेक्ट्रिशियन वाले कैंडिडेट थे उनके जो एग्जाम हुए हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में, दोनों शिफ्ट के दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। अभी के आज के इस सेशन में हम आपको फर्स्ट शिफ्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि काफी कैंडिडेट ने हमारे पास भेजा था इस व्हाट्सएप नंबर पे। आप लोग ये व्हाट्सएप नंबर हमारा नोट कर लीजिए, ये मेरा ऑफिशियल वाईफाई गूगल ज्ञान का ये ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे क्वेश्चन यदि आपको याद है तो आप इस पे भेज सकते हैं। बाकी काफी लोगों ने मेरे पास ये सभी क्वेश्चन से भेजे थे, तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको यहाँ पे डिटेल से कराने वाला हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आए हुए थे आज के फर्स्ट शिफ्ट में। तो दोस्तों आप लोग जो है ध्यान से देखिएगा। बाकी जो लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूँ, जो एनालिसिस का वीडियो है, क्लासेस के वीडियो है, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों मैं बिना किसी देरी के अपने इस एनालिसिस को स्टार्ट करता हूँ। आपके सामने पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, जीके से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन जो आया था वो हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो आप लोग जानते ही हैं कि हॉकी टीम में आपको 11 खिलाड़ी देखने को मिलता है। और अगर जो बात करें हॉकी की, तो हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल भी माना जाता है। ऑफिशियली तो नहीं माना जाता है, बट कहीं ना कहीं जो है भारत का ये राष्ट्रीय खेल के रूप में जाना जाता है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि दोस्तों आज के फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछा गया था टेक्नीशियन ए के पोस्ट में। तो यहाँ पर जो है जो बारदोली सत्याग्रह है वो 1928 ईस्वी में हुआ था, और किसने किया था, ये वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ये किया गया था, तो यहाँ पर आप इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है भारत में उपभोक्ता आंदोलन कब हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर जो बात करें हम भारत में उपभोक्ता आंदोलन की, तो वो 1960 ईस्वी में हुआ था, तो यहाँ पर आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप कौन जीता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर जो हम बात करें फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप की, तो यहाँ पर जो टीम जीती थी वो स्पेन की जो है टीम जीती थी आपकी बार, जो ये फीफा विश्व कप हुआ था अंडर 20 का, तो यहाँ पर आप जो है इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग इसे जानते भी होंगे, तो यहाँ पर जो है यदि चींटी डंक मारती है या फिर काटती है हमें, तो वहां पर जो है अपने वो फॉर्मिक अम्ल जो है हमारे बॉडी के अंदर रिलीज कर देता है, तो यहाँ पर ये हमारा जो फॉर्मिक जो अम्ल है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है GSLV का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों आप जानते ही हैं कि डीआरडीओ के एग्जाम हो रहा है, डिफेंस से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो है पूछा गया है कि GSLV का फुल फॉर्म क्या होगा। तो यहाँ पर अगर जो हम इसके फुल फॉर्म की बात करें, तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म हो जाता है। एक और होता है दोस्तों PSLV होता है एक, जिसका फुल फॉर्म आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अगर जो इसके फुल फॉर्म की हम बात करें, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म हो जाता है, तो आप लोग इसका भी फुल फॉर्म याद रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर जो कांग्रेस की स्थापना की हम बात करें, तो यहाँ पर जो है 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुआ था, तो यहाँ पर दोस्तों आप इसे याद रखेंगे। और दोस्तों यहाँ पर बात करें कि डेट क्या, अगर जो मान लेते डेट पूछ लेता है, तो डेट हो जाएगा हमारा 28 दिसंबर, और कहाँ पे हुआ था, तो ये मुंबई में हुआ था। तो कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में मुंबई में हुआ था, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। बाकी यहाँ पर एक संविधान से क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग जो है किस आर्टिकल के अंतर्गत निहित होता है। तो जो आर्टिकल 61 होता है उसी के अंतर्गत जो है हम राष्ट्रपति के प्रति जो है हम महाभियोग कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप इसे याद रखेंगे। बाकी अगर जो हम बात करें कि मैथ में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, किस किस टॉपिक से आए थे, तो प्रॉफिट एंड लॉस से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले था, तो आप लोग जो है इनके क्वेश्चन वगैरह कॉन्सेप्ट वगैरह देख लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से, और परसेंटेज से भी क्वेश्चन आपको देखने को जो है मिला था, और सिंप्लीफिकेशन से भी जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिले थे, और टाइम एंड वर्क से भी, टाइम एंड डिस्टेंस से भी, और रेशियो से, इन्हीं सभी टॉपिक से जो है दोस्तों आपके मैथ में क्वेश्चन आए थे, तो आप इन टॉपिक्स को देख लेंगे एंड लॉजिक एंड फॉर्मूलाज को भी आप जो है बिल्कुल याद कर लेंगे एंड रिवाइज कर लेंगे, तभी जो है आप अपने एग्जाम को देने जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आप इन सभी टॉपिक के क्वेश्चन को जरूर देख लेंगे। बाकी अगर जो हम बात करें कि रीजनिंग के कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, तो यहाँ पर रीजनिंग में जो है सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आए थे, वेन डायग्राम के क्वेश्चन आए थे, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आए थे, और एनालॉजी से क्वेश्चन दोस्तों आए थे, तो आप लोग जो है इन सभी टॉपिक को अच्छे से देख लेंगे, आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं कहीं ना कहीं इन्हीं सभी चीजों से मिलकर के आपके आने वाले 7 तारीख में आएगा, तो आप लोग जो है याद करके जाएंगे।
नेक्स्ट है, अगर जो हम बात करें टेक्निकल में जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के कैंडिडेट थे तो उनके लिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आए थे। यहाँ पर जो है लेजर का फुल फॉर्म पूछा था, तो लेजर के अगर जो फुल फॉर्म की बात करें तो लाइट एम्पलीफिकेशन बाई सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये दोस्तों आज के जो है फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हुआ है लीड एसिड बैटरी जो है एफिशिएंसी मतलब जो है पूछा गया था, तो यहाँ पर ये 85% यहाँ पर ये हो जाएगा। और अगर जो हम बात करें दोस्तों यहाँ पर आर प्रोपोर्शनली एल अपान ए, दोस्तों ये भी पूछा गया था, क्योंकि दोस्तों ये इलेक्ट्रीशियन के क्वेश्चन हमें थोड़ा सा यहाँ पे जो है डाउट हो सकता है, तो आप लोग जो है देख लीजिएगा कि किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के आए थे। बाकी दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, और फ्रीक्वेंसी से भी किस में मापा जाता है, तो यहाँ पर दोस्तों फ्रीक्वेंसी को मापने के लिए सीआरओ डिवाइस का यूज किया जाता है, मतलब किया जाता है। और यहाँ पर जो है डीसी जनरेटर से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, एफईटी सिंबल्स वगैरह जो है यहाँ पर दोस्तों पूछा गया था, और यहाँ पर जो है पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर से भी जो है क्वेश्चन देखने को मिले थे। आप लोग यहाँ पर देख लेंगे, यदि आप लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के कैंडिडेट हैं तो आप अच्छा खासा इन सभी टॉपिक को समझ रहे होंगे, तो आप लोग जो है इन सभी टॉपिक को अच्छे से देख लेंगे। बाकी यहाँ पर जो है ट्रांसमिशन में सीएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसको भी दोस्तों आप लोग देख लेंगे। बाकी यहाँ पर जो है सातूथ का इस सिंबल जो है किस तरीके से होता है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं सातूथ जो होता है वो जो आरी होता है, जो ब्लेड होता है, आप लोगों ने देखा होगा दांतीदार वाला, तो उसका दोस्तों यहाँ पे सिंबल पूछा था, तो यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन आए थे। और वेयर स्टोन ब्रिज जो होता है ये भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए। और मॉस्फेट जो होता है दोस्तों ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है, यदि आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के कैंडिडेट हैं तो आपको अच्छे से इसके बारे में पता होगा, तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिला था। बाकी यहाँ पर जो है एक्स एम ई आर के पावर रेटिंग मतलब पूछा गया था, तो यहाँ पर दोस्तों केवीए हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो है एक्स एम ई आर कोर के निर्माण के लिए सामान्यतः प्रयुक्त पदार्थ, यानी कि इसके निर्माण के लिए जो है इस पदार्थ का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर जो है स्टेनलेस स्टील का प्रयोग किया जाता है जो कोर बना होता है हमारा। और यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ब्रीदर में सिलिका जेल किसे अवशोषित करता है, तो यहाँ पर जो है आर्द्रता को अवशोषित करने के लिए जो है हम सिलिका जेल का यूज करते हैं ब्रीदर में, तो आप लोग यहाँ पर इसे ध्यान से देखेंगे। बाकी यहाँ पर पैरेलल ऑपरेशन में जो है यहाँ पर और एक्सईएमईआर से पूछा गया था, बीजेटी से क्वेश्चन पूछे थे, एनर्जी मीटर वगैरह से दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा था, और बी इज इक्वल टू आई आर से भी क्वेश्चन काफी यहाँ पर देखने को मिले हैं। और सेलिंग फैन का वेटेज जो है दोस्तों आप देख सकते हैं वोल्टेज यहाँ पर दोस्तों पूछा गया था, तो यहाँ पर 60 से 80 वोल्टेज होते हैं सीलिंग फैन के, तो यहाँ पर सॉरी वाट होते हैं, तो यहाँ पर इससे भी क्वेश्चन जो है आए थे। और सिंक्रोनस मोटर की पावर के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पर, और नॉट और नॉर्थ दोस्तों यहाँ पर जो है ये कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, और यहाँ पर सीआरओ जो आपका मशीन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, रेजिस्टेंस से रिलेटेड जो है क्वेश्चन देखने को मिला था, वायरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला था, एम्पलीफायर से, और यहाँ पर जो है रेगुलेशन या फिर राउंड पर मिनट से भी क्वेश्चन जो है यहाँ पर देखने को मिला था। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बाकी दोस्तों आज के जो फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में क्वेश्चन आए थे काफी लोगों ने मेरे पास भेजा था, यदि आप लोग भी जो है मेरे पास क्वेश्चन भेजना चाहते हैं तो यहाँ पर ये मेरा बिजनेस व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर भेज सकते हैं। बाकी दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल भी मेरा वाईफाई गूगल ज्ञान ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों आने वाले जो क्लासेस होंगे हम डेली जो है एनालिसिस क्लासेस करवाएंगे अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देंगे, और चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाकी दोस्तों इस जो है इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।